माणिक्यनगर स्थित रामद्वारा में राम स्नेही संप्रदाय की त्रिशताब्दी आयोजन के तहत जगत गुरु रामदयाल महाराज का 25वां पाठोत्सव रजत पाठोत्सव के अंतिम दिन गुणगान के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश दिया गया एवं इस हेतु संकल्प भी दिलवाया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर जगदीशपुरी शक्करगढ़ ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुषों के गुणगान करने पर मनुष्य भव पार पा सकता है। वेदांताचार्य वितरागानंद महाराज उज्जैन ने कहा कि महाराज का व्यक्तित्व सूर्य के समान है, साथ ही राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रामस्नेही संप्रदाय की एक अलग पहचान बनाई हुई है। पानीपत से महंत दिव्यानंद सरस्वती ने समापन दिवस पर कहा कि महाराज श्री में इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी तनिक मात्र भी घमंड नहीं है, साथ ही गजब की सरलता और विनम्रता वह धारण किए हुए थे। रामस्वरूप महाराज ने कहा कि आपके दर्शन मात्र मन को शांति देते हैं। प्रशंसा का विषय हमारी रामस्नेही संप्रदाय में है कि ऐसे विद्वान आचार्य का रजत उत्सव हम मना रहे हैं। जगदीश महाराज ने अभिनंदन गीत गाकर शुभकामनाएं दी। रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य रामदयाल महाराज ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विशाल धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस योग्य नहीं है कि आप उनके गुणगान करें। यदि सभी संतों व संप्रदाय के भक्तों के साथ वे नहीं होते तो वे कुछ भी नहीं कर सकते। संचालन करते हुए रामस्वरूप महाराज ने कहा कि सप्त दिवसीय रजत महोत्सव में देश विदेश व रामस्नेही संप्रदाय के साथ ही 125 संतों ने भाग लिया। प्रमुख रूप से वृंदावन, अयोध्या, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब इत्यादि जगहों से शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जगतगुरुओं, महंतों इत्यादि ने जगह जगह से संतों महात्माओं ने इस महोत्सव में भाग लिया। प्रवक्ता सुनील चपलोत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल की बहनों द्वारा स्वागत गीत गाकर आचार्य को बधाई दी गई। विजेंद्र सिंघल द्वारा संपादित संपूर्ण वाणी पाठ पर प्रकाशित ग्रंथ विमोचन कर सिंघल को व रामस्नेही चिकित्सालय में विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए गोपाल काबरा का अभिनंदन किया गया एवं लोकवाणी के संपादक राजीव दाधीच का भी शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में 56 भोग भी लगाया गया। स्वामी जी।